mobilizing a feeling, a movement and emotion to make India a true sporting nation. आने वाले सालों में हम चाहते हैं कि हर भारतीय कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेले, खेल को सपोर्ट मिले और हर एथलीट को आगे बढ़ने का मौका मिले. और इसी भावना से जुड़ा है हमारा आज का ये शो ब्लू राइजिंग. Now in its second year, the Indian Sports Honours aims to do just that. Acknowledge, celebrate and motivate sports persons. And today we have for you the nomination special of the Indian Sports Honours with me, Sanjana Ganeshan. So, dekhte hain what's on the show. Whatever I am today is because of Tarak Sinha sir. He is my father figure right now. तो वो मेरे को बोल रहा है भैया मैं तो बोलना तो पड़ेगा ही, आउट कैसे करेंगे वरना. मैंने कहा बॉलिंग तो वो कर रहे हैं, उनको भी तो बिलीव होना चाहिए कि आउट कर सकते हैं. बट फॉर मी द 2003 फाइनल्स वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. वंस आई रीच्ड अगेन दिस फाइनल इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वाइप आउट व्हाट हैपेंड इन 2003. लड़कियां हैं बड़ी हो गई शादी कर दी, लेकिन उनका वो था कि कुछ करना है तो रेसलिंग में ही करना है. अभी तो ऐसा लगता है कि रेसलिंग ही लाइफ है. इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स का खिताब किसे मिले ये डिसाइड किया है हमारी सेलिब्रेटेड ज्यूरी ने. दिस लिस्ट इंक्लूड्स पीटी उषा, महेश भूपति, सरदार सिंह, अभिनव बिंद्रा एंड अंजलि भागवत, जिन्होंने हर नॉमिनी के क्रेडेंशियल्स और प्रोफाइल को बहुत ही केयरफुली स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया कि खिताब किसे मिलेगा. What Blue Rising does is it not only brings together existing sports persons, but इस प्रयास से young और उभरते खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है. और ऐसे ही एक young खिलाड़ी से मुलाकात की अर्जुन पंडित ने. वक्त आ गया सीना तान के गर्व से बोलने का Blue Rising, और उसी के बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक उभरते सितारे whose stock has been rising and how over the last one year in international cricket. Rishabh Pant, thank you so much for joining us. Rishabh, baat Blue Rising ki, to shuruaat karte hain aapki blue jersey ke saath. 2017 England, aapke dimaag mein us time kya chal raha hai? Jab mere ko pehli baar jersey mil rahi thi us samay jo mere mind mein tha wo feeling bahut hi different hai, usko explain karna bahut mushkil hai. Ki jab maine pehli baar mere ko pata laga ki main debut karne wala hu, तो आई गॉट गूज़बम्स ऑल ओवर माई बॉडी. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, बचपन से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, वो चीज़ मेरे को मिल रही है, तो एक अलग ही फीलिंग थी. व्हाट डज ब्लू राइजिंग मीन टू यू? मेरे को लगता है कि ब्लू राइजिंग जो एक इनिशिएटिव है, उस हिसाब से जितने भी स्पोर्ट्स, आप सिर्फ क्रिकेट नहीं उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उनमें भी आप लोगों को सेम चीज़ें जो हम लोगों को क्रिकेट में मिलती है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. कभी कभार मेरे को लगता है जो हम लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं लोग, वो सेम चीज़ें बाकी लोगों को भी मिल सकती है. कोई गोल्ड लाता है, कोई सिल्वर लाता है, तो उन सबको भी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए. और मेरे को लगता है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ऑल ओवर इंडिया की प्रोग्रेस स्पोर्ट्स में उसके लिए. और एक छोटी मैं कैसे कहूँ मोटिवेशन, नॉट जस्ट कैश इनिशिएटिव, बट चाहे आपको कोई हौसला दे, एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना बड़ा एक वो, इट कैन बी अ पुश टू पुश हिम फर्दर. ऑब्वियसली फॉर अ स्पोर्ट्समैन यू कैंट जज समवन विद देयर मनी, लाइक हाउ पीपल फॉलो यू, हाउ दे लव यू, दे शो योर देयर सपोर्ट टू यू, दैट्स अ मेन थिंग आई गेस. तो मेरे को ये लगता है कि अगर बाकी स्पोर्ट्स को भी हम जितना फोकस में रखते हैं, क्रिकेट को बाकी स्पोर्ट्स को भी उतना फोकस में लाएंगे, तो एज अ इंडिया कंट्री विल इम्प्रूव मोर. क्रिकेट के अलावा आप और कौन से सारे स्पोर्ट्स खेलते थे? क्रिकेट के अलावा जब मैं बचपन से ही, मेरे को शौक है सारे गेम्स खेलने का, आउटडोर गेम्स. फुटबॉल खेलता था मैं, बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था बचपन से, क्योंकि मेरे फादर को स्पोर्ट्स पसंद था, वो खुद क्रिकेट खेलते थे. तो एज अ प्रोफेशनल मेरे को हमेशा से क्रिकेट ही खेलना था, बट मैं सारे स्पोर्ट्स को प्यार करता हूँ. आपके हिसाब से इस खेल कूद ने आपको बियॉन्ड व्हाट ऑल यू ऑफ कोर्स अचीव राइट नाउ, वो क्या आपको सीख मिली है? जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब लेते हैं, बट एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना, वो टीम स्पोर्ट सिखाता है हमारे को. वो चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होती है, हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए. ऋषभ, ऑल द यंग बॉयज़ हु आर वॉचिंग दिस बडिंग स्पोर्ट्समैन ऑफ कोर्स हु वांट टू बी द नेक्स्ट ऋषभ पंत, अगर मैं बोलूँ, आपके लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि उनके पास एक मेंटोर हो
हु इज दैट गाइडिंग लाइट, उनको बताए कि यहाँ ऐसे करना है, आगे जाके ऐसे करना है? आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर इन अ लाइफ, बिकॉज आई हैड अ मेंटोर हु टॉट मी एवरीथिंग ऑन एंड ऑफ द फील्ड. हाउ कैन आई कंडक्ट माई सेल्फ, हाउ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, हाउ आई कैन एक्ट ऑन सर्टन प्लेसेस. सो ही टॉट मी एवरीथिंग, वट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ तारक सिन्हा सर. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेन आई ट्रैवल्ड फ्रॉम रुड़की टू डेली फॉर प्लेइंग क्रिकेट, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी. तो ही ऑलवेज वॉज देयर फॉर मी लाइक अ फादर फिगर. ही टुक केयर ऑफ मी ऑफ एवरी थिंग, मनी, नथ. ही इज माई फादर फिगर राइट नाउ. इफ आई कैन आस्क यू दोस थ्री थिंग्स अबाउट विराट कोहली जो आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो वो क्या होंगे? एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इंटेंसिटी. ही प्लेज द पैशन एंड डिसिप्लिन. थ्री थिंग्स आर रियली डिफाइन हिम एक्चुअली एज अ क्रिकेटर, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन ड्रेसिंग रूम, ऑन एंड ऑफ द फील्ड, हाउ ही वर्क्स हार्ड ऑन एवरीथिंग. दैट्स सम थिंग. इफ ही कैन हार्ड वर्क, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड नाउ आई गेस, सो इफ ही कैन डू ऑल दिस थिंग टिल दिस टाइम, सो व्हाई कांट वी डू दैट. एक लेजेंडरी इंटरव्यू इससे पहले हुआ है. उस लेजेंडरी इंटरव्यू को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस ब्लू राइजिंग इंटरव्यू में आए थे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री. और उस दौरान, उस बातचीत के दौरान, ऋषभ, आपकी बातचीत हुई थी वीवो IPL 2017 को लेकर. सबसे पहले आपको दिखा दूँ उन्होंने आपके बारे में क्या बात कहा, और उसके बाद आपसे मैं रिएक्शंस लूँगा. दिस वॉज 2017, सो वी वर 7th एंड दिल्ली वॉज 8th. और लास्ट गेम खेल रहे थे हम लोग अपना दोनों. तो ऋषभ वॉज गोइंग एट मी, चलो चलो प्रेशर में है, और मैं देख के उसको हंस रहा हूँ पीछे. तो आई सेड तू क्या कर रहा है? तो हाँ, तो वो मेरे को बोल रहा है भैया मैं तो बोलना तो पड़ेगा ही, आउट कैसे करेंगे वरना. मैंने कहा बोलिंग तो वो कर रहे हैं, उनको भी तो बिलीव होना चाहिए कि आउट कर सकते हैं. तो बोल रहा है बात तो सही है लेकिन मैं तो करूँगा. तो मैंने कहा कोई नहीं, कभी तो आएगा चेंज रूम में साथ में. भैया को देख के थोड़ा बॉलर प्रेशर में आ जाता है, तो मेरे को आदत है ही विकेट के पीछे से बोलने की. मैं बहुत देर से बोल रहा था, तो भैया मेरी तरफ ऐसे ही पीछे देखने लग गए. अरे क्या बोल रहे थे उसको? मैंने कहा भैया कुछ नहीं बोल रहा, पहले मेरे को समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे करूँ. तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पीछे मुड़ के ऐसे पूछेगा कौन है, तो ऐसे पूछने लग गया भाई क्या हुआ. मैंने कहा भैया कुछ नहीं. कह रहे ज़्यादा मत बोल, उधर तो आएगा ड्रेसिंग रूम में तू, फिर बताता हूँ तेरे को. तो आपने एग्जैक्टली क्या बोला था? मैं एक्चुअली ये सुनना चाह रहा था उस टाइम. तो वो बहुत देर से सेटअप कर रहे थे, मिशी भाई बॉल डाल रहे थे शायद से, तो उनको मारने के लिए थोड़ा सा इंट्यूशन आ रहा था मेरे को मारेंगे. तो मैं पीछे से मिशी भाई को बता रहा था, मिशी भाई इधर मत डालना उधर डालना, क्योंकि वो गुगली का वेट कर रहे थे बहुत देर से, और मिशी भाई डालने वाले थे. तो मैंने उनको मना करा था गुगली डालना मत बिल्कुल, तो वो इसी बात पे पीछे घूम के देख रहे अच्छा कि तू ये बोल रहा है. ये सब बातें मैच में चलते रहता है कुछ ना कुछ. और क्या उनको वो बात याद थी जब आप इनफैक्ट टीम में आए, और क्या उनने बातचीत आपसे करी? बेटा बोला था मैंने. हाँ, जब ड्रेसिंग रूम में गया था मैंने बोल दिया था भैया, क्योंकि एक दिन मेरा ऐसी मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में, बोल रहे मैंने बोला था तेरे को, उधर आएगा तो बताऊँगा तेरे को. मैंने कहा ठीक है भैया, सीनियरिटी का फ़ायदा मत उठाओ इतना. Rishabh, we wish you all the very best and success moving forward. The rising star of international cricket, he has arrived on the big stage. Rishabh Pant, thank you so much for your time.